हाय दोस्तों, मैं दीपिका, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, स्वीट रेसिपी जो इंडिया में 99% लोग को बहुत पसंद है। हर छोटी से छोटी मौके पे लोग इसको अपने घर पे बना के खाते हैं। तो मैं एक न्यू तरीके से झटपट बना के आप लोग को एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ, जो जिसका रेसिपी है खीर का रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो खीर बनाने के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें 1 किलो हम दूध ले लिए हैं और यहाँ 250 ग्राम चावल 1 कप और उसका आधा चीनी और यहाँ काजू किशमिश ले लिए हैं, थोड़ा सा बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ ले लिए पिस्ता और आमन को छोटा छोटा डेकोरेट करने के लिए, 2 इलायची। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्वादिष्ट खीर। इसके लिए हम गैस को ऑन करके पैन चढ़ा लिए हैं। इसमें जो काजू और किशमिश है उसको थोड़ा सा घी से उसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, खीर का जो स्वाद है ना उभर के आता है। तो चलिए इसको हम ये कर ले रहे हैं। इसमें एक पैन गर्म हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर 1 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहीं पर हम डाल देंगे काजू और किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी जल जाता है दोस्तों और काजू को थोड़ा लेट लगता है, इसलिए हम लेकिन हम ज़्यादा किसी को नहीं हल्का फ्राई करेंगे, इसलिए दोनों को एक ही साथ डाल दिए हैं। वरना अगर आप चाहते हो तो काजू को अलग से, किशमिश को अलग से फ्राई कर लिए। आपको अगर ज़्यादा अगर फ्राई वाला अच्छा लगता है तो हम तो इसमें ज़्यादा हल्का उस्त करेंगे घी देके, जिसमें घी का स्वाद खीर में आ जाता है, उसका स्वाद जो है दुगना हो जाता है। देखिए इस तरह से हम ज़्यादा नहीं 15 से 20 सेकंड तक इसी तरह से हम इसको मिला लेंगे घी के साथ, तो हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हो चुका है मेरे 20 सेकंड के करीब, तो हम इसको निकाल लेते हैं और यहीं पर हम दूध को हम एक बाल आने तक हम इसको छोड़ देते हैं। ये जो चावल है ये गोविंद भोग चावल है दोस्तों, इसमें खुशबू बहुत सुंदर आता है। इस आप चाहे तो इसको ये वाला चावल से भी कर सकते हो, बासमती राइस से भी इसको, लेकिन दरदरा कर लेना है। इसको हम अच्छे से वॉश करके आते हैं और 2 से 3 मिनट तक इसको हम पानी में इसी तरह छोड़ देंगे। दूध को 2 से 3 मिनट लगेगा उबाल आने में, मीडियम आंच में करके छोड़ दिए हैं। तब तक हम चावल को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से वॉश करके उसको भिगो के रखते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा एगो उबाल लेंगे, इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों चावल को हम अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं, इसमें जितना इसका कचरा था निकल गया। इसको 2 मिनट तक हम इसी तरह भिगो के रखेंगे जब तक दूध भी उबाल लेगा। और आपको अगर अंदाज़ा नहीं, पहली बार अगर खीर बना रहे हो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कैसे बनाएं, तो आप अपना बोल के हिसाब से, जैसे 1 किलो दूध में हम 250 ग्राम यहाँ पर लिए हैं चावल और उसका आधा लिए हैं यहाँ पर 120 ml हम यहाँ पर चीनी लिए हैं, मतलब उसका आधा लिए हैं चीनी। तो उससे आप अंदाज़ा नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ा कप में 4 कप अगर आप दूध लीजिएगा तो उसका 1 कप लीजिएगा चीनी, तो उसका आधा कप आपको लेना है ये चावल, उसका आधा कप लेना है चीनी। तो उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो खीर बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरा दूध जो हल्का हल्का दूध में उबाल आ चुका है, इसको हम इस तरह से हिला लेंगे और जब तक उबाल ना आए तब तक किसी को इसी तरह से हम छोड़ देंगे। उबाल आने पर ही इसको हम चावल को दे लेंगे। तो देखिए दोस्तों दूध में उबाल आ चुका है और यहाँ पर चावल भी हल्का यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ इसमें चावल में भी थोड़ा बहुत नमी आ चुका है। चावल को इसी तरह थोड़ा सा डुबो के रखते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो उसका नमी हो जाने पर जल्दी दूध में पक जाता है, वरना आप ऐसे ही चावल डाल दीजिएगा तो दूध का मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कम दूध में आप आराम से इसको ज़्यादा भिगोइएगा तो और ज़्यादा कम दूध में बन के तैयार हो जाता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा इसको नहीं, क्योंकि मेरा 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध में हो जाएगा। तो हम चावल को धो के आए हैं और इसको हम
इस तरह से धीरे धीरे करके हम डाल देंगे। और इसको हम इसी तरह से मिलाते रहेंगे दोस्तों, वरना क्या होता है ना कि चावल में गीठ लग जाता है। इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से मीडियम आंच में करके और चावल को इसी तरह से दूध में एक तरफ उबाल आता है, उबाल इस तरफ मेरे चावल अच्छे तरह से इस तरह से पकी हो जाएगा। इस तरह से हमको इस तरह मिलाते रहना है। और अगर छोड़ देंगे इसी तरह से आप छोड़ दीजिएगा ना, तो चावल में क्या होता है ना गीठ गीठ टाइप का, ढेला टाइप का हो जाता है। इसीलिए इसको हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक मिलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा 3 मिनट हो चुका है और अच्छे तरह से दूध भी उबल रहा है। अच्छे तरह से हम चावल को मिला दिए हैं, अब इसमें गीठ नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से हम इसको एकदम मीडियम आँच में, मीडियम टू लो आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो दो इलायची रखे थे ना, दो इलायची रखे थे उसको इस तरह से तोड़ के, आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो पाउडर को भी दे सकते हो, तो तोड़ देंगे। इसमें क्या होता है ना, इसका इसका सुगंध है, बहुत सुंदर आता है। इस तरह देख इसको मिलाएंगे और बीच बीच में दोस्तों मिलाते रहना है, 2 मिनट 3 मिनट बाद बाद मिलाते रहना। इस तरह इसी तरह मिला के फिर छोड़ देना है। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा खीर पकने में, तब तक आप वीडियो में बने रहिए, देखिए हम खीर कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूध कितना सुंदर तरीके से उबल रहा है, और चावल भी कितना एकदम पक के कितना सुंदर से तैयार हो चुका है। 10 मिनट और 10 मिनट से 8 मिनट के करीब चावल पूरी तरह से पक चुकेगा। चावल 5 मिनट हो चुका है पका हुआ, और देखिए फिर भी कितना खूबसूरत तरीके से एकदम पक चुका है। और इसमें जो इलायची दिए थे ना, उसका तो टेस्ट एकदम पूरा एकदम उभर के आया है, उसका खुशबू पूरा उभर के आया है। इसमें जो है ना, तो टेस्ट पूरी खीर में पूरी तरह से मिल चुका होगा, पूरा घोल चुका है। अगर बीच में आप चाहे तो इसको इसका जो छिलका तो है, इसका छिलका आप निकाल सकते हैं दोस्तों, इसका छिलका निकाल सकते हो इलायची का, क्योंकि इसका दाना तो दाना तो अंदर में चल चुका है, छिलका आप उतार सकते हो, क्योंकि तो निकाल लिए हैं। देखिए तो हम इसी तरह से बीच बीच में नहीं चलाइएगा ना दोस्तों, चिपकने का डर रहता है, इसीलिए हम बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहते हैं। और आप खीर बनाइएगा तो इधर उधर जाने की दिक्कत नहीं, ये तो 15 से 10 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। आपको 10 से 15 मिनट किचन में ही खड़ा रह के बनाना होगा, वरना खीर को जलने का डर रहता है। और इस तरह चलाते रहने से खीर और लाजवाब एकदम रसीला बन के तैयार होता है। देखिए दोस्तों कितना एकदम रसीलापन है, और ऐसे ही छोड़ देने से खीर चिपकने का डर रहता है। तो मिलाते रहना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 12 से 11 मिनट हो चुका है और चावल कितना खूबसूरत तरीके से पक चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस में हम ये जो भून के रखे थे ना, ये वाला काजू किशमिश हम इसमें डाल देंगे। और इसको और 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक इसको इसी तरह से पकाएंगे। दो मिनट हो चुका है दोस्तों, काजू किशमिश को अच्छी तरह से मिला चुके हैं, वो भी हल्का हल्का पक चुका है। और इसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीनी डाल रखे थे ना, चीनी को यहाँ पर डाल के उसको अच्छी तरह से इसी तरह से मिला लेंगे। जैसे इसका मिठास तो पूरी तरह से खीर में अब्जर्व हो जाए, देखिए इस तरह से, देखिए दोस्तों मिला लिए हैं। यहाँ हम गैस कर देते हैं बंद। चीनी दोस्तों पहले मत डालिएगा वरना दूध फटने का डर रहता है। चीनी को पूरी तरह से मिला चुके हैं, चीनी मिल भी चुका है,
इसी पर हम क्या करेंगे, यहाँ जो कट के रखे हुए थे ना बादाम और पिस्ता, उसको अच्छी तरह से हम उसको उसको डाल देंगे। वाह कितना खूबसूरत दिख रहा है खीर, टेस्ट भी उतनी ही खूबसूरत आते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं ना, खीर को हम 10 से 15 सेकंड के लिए हम इसी तरह छोड़ देते हैं, ताकि खीर और चावल और जो दूध है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसको सर्व करके दिखाएंगे आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, चावल चीनी और दूध पूरी तरह से सेट हो चुका है और खीर बन के हो गया तैयार। आपको यकीन मानी दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, पूरा घर में पूरा खूबसूरत एकदम खीर का पूरा सेंट है से फैल चुका है। खीर बनाना देखिए दोस्तों कितना सिंपल है और उतना ही टेस्ट इसका टेस्ट है। तो देखिए हम आपको परोस के दिखा देते हैं। ये हम मिला लेते हैं इसको, ताकि पूरी अच्छी तरह से पिस्ता और बादाम जो है इसमें पूरा अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब हम इसको आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं दोस्तों। आप सब में किसको किसको खीर पसंद है कमेंट पे बोलिएगा। और इस तरह का आपको स्वीट डिश अगर आप लोग को पसंद आया हो तो बोलिएगा, और आप लोग को बना के दिखाते हैं। जिसमें हम थोड़ा सा कट करके जो रखे थे इसको हम तरह से डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों खीर बन, खीर आपके सामने है। ये पहलाने वाला आप लोग के लिए। तो ये डिश आप लोग को कैसा लगा हो प्लीज कमेंट पे बोलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। बाय बाय।